एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट ट्रिक। मैंने टू डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालना बताया है, और टू डिजिट नंबर का वैसा नंबर जिसमें बीच में जीरो हो, और ये थ्री डिजिट का नंबर हो, कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या रहे, थ्री डिजिट नंबर का स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हैं वन लाइन में। ओके, तो चलिए आप सभी को बताते हैं स्क्वायर निकालने की शॉर्टकट ट्रिक। वो नंबर थ्री डिजिट का हो तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे हम लोग सिक्स का स्क्वायर करें। तो सिक्स का स्क्वायर क्या होता है, सिक्स का स्क्वायर 36 होता है वन लाइन में। ठीक है, सिक्स का स्क्वायर क्या होता है 36, कैरी यहाँ पे क्या हो गया थ्री हो गया। ओके, कैरी थ्री हो गया। इलेवन में सिक्स से मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा, इलेवन सिक्स सिक्सटी सिक्स में टू से मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा 132, 32 में थ्री एड करें क्या जाएगा 35, 35 के फाइव कैरी यहाँ पे 13 हो गया। इलेवन का स्क्वायर क्या होता है 121 होता है, 121 में 13 कैरी ऐड करने क्या जाएगा 134 हो जाएगा, क्या जाएगा 134। ओके, तो क्या आ गया 116 का स्क्वायर क्या हो गया 13456, 13456 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं, 125 का स्क्वायर निकालना है ना, बहुत इजी है और बहुत फास्ट भी निकलना है, वन लाइन में हमारा आंसर आ जा रहा है। ओके, सबसे पहले क्या करना है, इसको हम लोग फाइव का स्क्वायर करें। तो फाइव का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, 25 का फाइव कैरी यहाँ पे टू। ओके, 12 तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, 12 क्या होता है 60, 62 क्या होता है 120 में 2 कैरी ऐड करें तो 122 होगा, 122 होगा, 22 की 2 कैरी यहाँ पे 12 हो गया। ओके, अब 12 का स्क्वायर क्या होता है 114 होता है, 12 में 144 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 156, यानी 156 हम यहाँ पे लिख देंगे, 15625 का ये स्क्वायर हो गया। ओके, 15625 इज द राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताते हैं, जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन जैसे मैं लेते हैं एग्जांपल है 133 का स्क्वायर, 133 का स्क्वायर इसको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। ओके, अब अगला स्टेप क्या है, इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, 13 3 39 39 में हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 78 की 8 यहाँ पे हम 7 कैरी हो गया। ओके, अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 होता है, तो 69 में हम 7 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 176। ओके, क्या आ जाएगा 176 होगा, यानी 133 का स्क्वायर क्या हो गया 17689 इज द राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, जैसे मैं फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं जैसे मैं 149 का स्क्वायर, 149 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 81 का 1 कैरी 8। ओके, अब इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई, 49 क्या होता है 126 में 2 मल्टीप्लाई करें क्या जाएगा 2 6 12, 2 1 2 कैरी 5 2, इसमें हम 8 ऐड करें क्या जाएगा 60 260। ओके, 60 की 0 यहाँ पे कैरी 26 हो जाएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है 149 में क्या करना है 14 का स्क्वायर करना है, तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 100 क्या होता है 14 का स्क्वायर 196 होता है, 96 में 26 कैरी ऐड करें कितना आ जाएगा 222 यहाँ पे हम लिख देंगे 222 या 22201 इज द राइट आंसर हो गया, 22201 149 का स्क्वायर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल में लेते हैं 156 का स्क्वायर निकाला, 156 का, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 का 6 कैरी यहाँ पे 3 हो गया, 15 को मल्टीप्लाई करना है, 15 6 90 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180 में 3 ऐड करें कितना 183 का 3 18 यहाँ पे कैरी हो गया। 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 का स्क्वायर 225 होता है, 225 में 18 ऐड करें क्या जाएगा 243, यहाँ पे हम लोग 243 हम लिख देंगे। ओके, 150 का स्क्वायर क्या हो गया 24336। ओके, 24336 इज द राइट आंसर। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि और भी आपको डेली अपडेट मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।